नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स का। जो है मैं दूसरा पार्ट आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीव विज्ञान से रिलेटेड भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया हूँ, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन से बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका आंसर है अपकेंद्र बल। जो अपकेंद्र जो बल जो है बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल जो है केंद्र बिंदु की ओर लगता है, यानी कि अंदर की ओर, और अपकेंद्र बल जो है बाहर की ओर। क्योंकि दूध से क्रीम हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें अपकेंद्र जो बाहर की ओर जो बल लग रहा है। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर गिराया, यानी पृथ्वी पर लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, किंतु तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, और डी जो है ना द्रव्यमान बदलेगा ना ही भार बदलेगा। तो इसका आंसर है 292 का जो है बी, इसका जो है भार बदल जाएगा किंतु तो द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से है 53 को क्वेश्चन पर, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? पहला, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही हो, या जब लिफ्ट त्वरित से ऊपर की ओर, जब समान वेग से नीचे आ रही हो, जब वेग से यानी कि समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका आंसर है दोस्तों यानी कि बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, तब जो है व्यक्ति का भार जो अधिक मालूम पड़ता है। फिर 54 पर आते हैं, यानी कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, यानी कम कम होता है या रही हो, जब लिफ्ट जा रही हो, यानी कि जब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट जा रही हो, यानी जब लिफ्ट जो है जा रही हो। तो इसका आंसर है दोस्तों, अभी मैं यानी कि इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर जो है अभी त्वरण के साथ जो है नीचे की ओर आती है, तब वास्तविक भार, इसमें प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब त्वरित गति से नीचे की ओर आ रहा हो, यानी कि जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान, यानी का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। तो इसमें बोल रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के यानी कि सबसे नजदीक होता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी, 1/6 सी इसका आंसर है। फिर अगला पर आते हैं, लोलक की काल अवधि है, यानी कि टाइम पीरियड होता है लोलक की, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, लंबाई के ऊपर निर्मित करता है, यानी कि लंबाई के ऊपर जो है निर्मित करता है। लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, जैसा कि ये लोलक है और इसका लंबाई है, तो इसी पर जो है इसका टाइम पीरियड जो है डिपेंड करता है। तो इसी पर आते हैं अगला क्वेश्चन 57 पर, लोलक घड़िया यानी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? पहला, गर्मी के दिनों में लंबा होने के कारण कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण लोलक में लगा हुआ समय बढ़ता है। फिर गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो 57 का आंसर जो है सी वाला आंसर जो है हमारा सही है। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं कि सी, जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कई दोलन में लगा समय जो है बढ़ जाता है। तो इसका आंसर सी है। फिर अगला 58 पर आता है, किसी लोलक की लंबाई 4% यानी कि बढ़ा दी जाती है, उसका आवर्तकाल क्या होगा? जैसे कि लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका जो है 58 का आंसर है दोस्तों बी, जो है 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा लंबाई है उसका उसका आधा जो है यानी कि आवर्तकाल बढ़ता है, उसका हाफ पीरियड होता है, इसका 2%। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 59 के आंसर दोस्तों है पार्श्व अनुपात कहते हैं इसको, यानी कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को। फिर वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, 60वें का आंसर है। 60वें का आंसर है दोस्तों ए, जो है सतह के तनाव कारण जो है वर्षा की बूंदे जो है गोलाकार होती है। फिर 61 पर आते हैं, तेल की दीप की बत्ती में तेल के यानी किस कारण जो है ऊपर की ओर बढ़ता है? इसका आंसर है दोस्तों
बी केसिका क्रिया। फिर 62 पर आता है श्यानता की इकाई है, तो इसका आंसर दोस्तों है श्रीकांता की इकाई पॉइज है, यानी कि इसका श्यानता की इकाई जो है पॉइज है, पॉइज। फिर अगला है 63, उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों यानी आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज, उत्प्लावन जो है आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। फिर 64 पर आते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, वो जो है कौन से यानी कहाँ से थे बोल रहे थे। इसका आंसर दोस्तों 64 का आंसर है दोस्तों डी, डी इसका जो है ग्रीस से संबंधित है, जो आरआरबी एसएम 2002 में आया हुआ। फिर अगला, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य अप्रगामी विद्युत चुंबकीय। 65 का आंसर है दोस्तों बी, अनुदैर्ध्य होता है। फिर अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 66 का आंसर है ए, 20 हर्ट्ज से कम होती है। फिर 67 पर असर वे ध्वनि है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, या 1,000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 67 के आंसर है ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर 68 का आंसर ध्वनि तरंग कहते हैं, लंबवत यानी कि ध्वनि तरंग लंबवत तिरछीय आंशिक लंबवत आंशिक तिरय कभी कभी लंबवत कभी कभी तिरय। 68 का आंसर है ए, लंबवत होती है। फिर इसमें श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तो 69 का आंसर है दोस्तों, 69 का आंसर ए है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है होती है। फिर अगला क्वेश्चन 70 नंबर पर आते हैं, 70 का आंसर है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया तो ध्वनि का चाल क्या होगा। तो 70 का आंसर है दोस्तों यानी कि बी जो है 332 मीटर सेकंड है। फिर अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है यानी कि ध्वनि की चाल किसमें जो है अधिक होती है, ध्वनि की चाल इसका आंसर है दोस्तों यानी कि ए, वायु में की खुला वातावरण होने के कारण इसमें जो है अधिक होती है, निर्वात जल और इस्पात में जो है कम होता है। फिर वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो 72 का आंसर है दोस्तों यानी कि ए, 320 मीटर सेकंड जो है अधिक, यानी कि ध्वनि का वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर सेकंड होता है। फिर अगला क्वेश्चन 73, 100 डेसिबल का स्वर स्तर निम्न में से किसका संगत होता है, यानी कि 100 डेसिबल का स्वर जो है किसके संगत होता है। तो 73 का आंसर है दोस्तों यानी कि डी, डी इसका आंसर है, यानी किसी मशीन की दुकान से आने वाला स्वरगुल जो है 100 डेसिबल स्वर स्तर में निम्न में से संगत होता है, यानी कि किसी मशीन की दुकान से आने वाले स्वरगुल के समान। फिर 74, यदि सितारे और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित यानी कि अंतर के कारण किया जाता है, अंतर किस कारण से किया जाता है। पहला है तारत्व प्रबल एवं गुणता, दूसरा केवल तारत्व और प्रबलता, तीसरा केवल ध्वनि प्रबलता और केवल ध्वनि गुणवत्ता। तो 74 का आंसर है डी, डी इसका जो है सही आंसर केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। फिर 75, एक जेट वायुयान दो यानी कि दो मास वेग से हवा में उड़ रहा है, मास जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की यानी कि चाल कितनी होगी। तो इसका आंसर है 75 का आंसर है डी, 6 यानी कि 664 मीटर सेकंड, जो एनडीए 2011 में आया हुआ है। फिर अगला, डेसिबल की इकाई का प्रयोग किया जाता है किस, प्रकाश गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता और रेडियो की रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो 76 आंसर है दोस्तों सी, सी इसका आंसर है ध्वनि की तीव्रता के लिए। फिर 74, ध्वनि तरंग में के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, 77 का आंसर है सी, परावर्तन के लिए जो है उत्पन्न करता है। फिर 78, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्री द्वारा, फिर है डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर द्वारा, नौचालकों द्वारा। 78 का आंसर है अंतरिक्ष यात्री द्वारा सोनार का अधिकांश उपयोग किया जाता है। फिर किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो 79 का आंसर है दोस्तों बी, डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का उतार चढ़ाव को ही यानी कि डॉपलर प्रभाव कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन,
पास आती हुई रेलगाड़ी सिटी की आवृत्ति तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो एटी का आंसर दोस्तों बी, डॉपलर प्रभाव कारण ही यह घटना होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जो है शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अगला वीडियो जो है जल्द ही आने वाला है।